ओ माय गॉड, ये बहुत ओपी चीज है ट्रैवलिंग करने के लिए अभी। Hey, how's it going everyone? My name is Maripar. आज हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर क्राफ्ट करने वाले हैं द मोस्ट ओपीएस्ट एलिमेंटल स्वॉर्ड। अब गाइस ये एलिमेंटल स्वॉर्ड होती क्या है, तो देखो ये जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर गाइस चार हमारे सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है धरती जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, दूसरा होता है एयर जिसके ऊपर हम लोग सांस ले रहे हैं, तीसरा होता है पानी, चौथा होता है फायर यानी कि आग। तो ये जो चार हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना गाइस, इन चारों के चारों को मिलाकर हमारा सबसे मेन एलिमेंट बनता है। एंड आज हम लोगों को वॉली स्वॉर्ड को क्राफ्ट करके एंडर ड्रैगन को मारना है। बट ये हम लोग क्राफ्ट कैसे करेंगे मेरे को फिलहाल को नो आइडिया, क्योंकि अभी फिलहाल को हम लोग ऐसी रैंडम जैसी जगह पर स्पॉन हुए हैं। मेरे को असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी ने बोला है कि सबसे पहला स्टेप जो भी होगा ये मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, लाइक कोई भी मुझे यहाँ पर बताने वाला नहीं। और ये बिल्ला यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, आउट ऑफ नो वेयर इस जगह पे बिल्ला मैं देखते ही भाग गया। What a कितना क्यूट है यार। तो आस पास बस मुझे नजरें मारनी है एंड आई थिंक हम लोगों को कुछ तो यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो गाइस मुंह के सामने यहाँ पर हमारे कुछ लकड़ियां वगैरह ऐसा करते हैं, अपने आप को लकड़ियों के टूल्स बनाते हैं एंड देन उसके बाद पत्थर के टूल्स बना के एटलीस्ट तैयार रखते हैं खतरों के लिए, क्योंकि ये एलिमेंटल स्वॉर्ड बनाते बनाते हम लोगों को बहुत सारे खतरों का सामना करना। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक, वीडियो का लाइक 1,00,000 लाइक्स का जरूर कंप्लीट करना गाइस, एंड मैं तुम लोगों से 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, सारा का सारा सामान मैंने बना दिया है, यहाँ से टॉप पे चलते ऊपर एंड यहाँ ब्रो मैं तो बोल रहा था कि टॉप के ऊपर जाकर हम लोग आसपास देखेंगे तो आई थिंक हम लोग को कुछ ना कुछ दिख सकता है। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड ब्रो व्हाट द हेल इज दिस, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा टेंपल है, आई थिंक हम लोगों को यहाँ से अंदर जाकर कोई ना कोई हिंट्स वगैरह मिलने वाला। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन मैन ब्रो, दिस इज सो गुड यार। भाई ऊपर चढ़ने का रास्ता देख रहे हो तुम लोग, क्या तगड़ा सा बना के रखा हुआ है। एंड मुझे फिलहाल को ये आइडिया नहीं है कि एलिमेंटल स्वॉर्ड को बनाने की क्राफ्टिंग रेसिपी क्या है, वो सब कुछ हम लोग को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। दैट इज द मेन क्वेश्चन, ओके कि एग्जैक्टली हम लोगों को करना क्या। चलो यहाँ पर वाइंस वगैरह लगी है बहुत सारी, इन वाइंस वगैरह के थ्रू सबसे टॉप पे चलते हैं। एक सेकंड को, टॉप पे जाने से पहले आसपास का व्यू एक बार नजर मार देते हैं भाई व्यू पे। गाइस आई एम टेलिंग यू ये जगह बहुत ही ज्यादा मैजिकल लग रही है मेरे को। Oh my God, I'm so excited, यार। आसपास गाइस मैंने अच्छे तरीके से चेक कर दिया, यहाँ पर मुझे लिटरली कुछ भी नहीं दिखाई। काम करते हैं सबसे टॉप पे जाके देखते हैं इस पिरामिड में, हो सकता है हम लोगों को वहां पर कोई ना कोई हिंट मिल जाए। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सबसे टॉप पे तो पहुंच चुका हूं। यहाँ पर और वाइंस वगैरह लगी हुई है भाई, यहाँ पर और वाइंस। ओ माई गॉड वेट ब्रो, यहाँ पर एक चेस्ट, एक सेकंड को, चेस्ट को खोले एक बार जरा। एलिमेंटल स्वॉर्ड, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, पेज नंबर 1 out of 7, एलिमेंटल स्वॉर्ड्स, गो इनसाइड द टेम्पल टू फाइंड द मिस्टीरियस एलिमेंटल क्राफ्टिंग टेबल। ओके एलिमेंटल स्वॉर्ड्स को बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल हम लोगों को यहीं पर मिलने वाली है अंदर। ऑल्सो देर आर हिडन क्राफ्टिंग रेसिपीज, मेक श्योर टू फाइंड देम एज वेल। ओ माई गॉड वेट, अर्थ क्रिस्टल कोड्स, वॉटर क्रिस्टल कोड्स, एयर क्रिस्टल कोड्स, फायर क्रिस्टल कोड्स, ओके ब्रो हम लोग, भाई हम लोगों के यहाँ पे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एयर क्रिस्टल कोड तो लिटरली इन द हेवन है, लाइक हवा में जाके मिलने वाला हम लोगों को। ऑल राइट आई थिंक गाइस सबसे पहले हम लोगों के अर्थ क्रिस्टल कोड्स पे जाकर हम लोग को पहले आई थिंक वो अर्थ वाले स्वॉर्ड क्राफ्ट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नियर यू गो फाइंड योर सेल्फ, वट अपने को खुद ही यहाँ पर सब कुछ गैस करना होता तो फिर क्या ही बात होती है। बिल्ले तू यहाँ पर क्या कर रहा है, इस वर्ल्ड के अंदर इतने सारे बिल्ले क्यों है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रही है। ये बिल्ले यहाँ पर पता नहीं क्या, ए भाई सॉरी मैं धक्का मार, देखो गलती से यार, ए भाग रहा है बिल्ला। व्हाट ब्रो, ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, आई एम टेलिंग यू। आई थिंक यहाँ पर एक हम लोग को हिंट दिया हुआ है, इट्स इनसाइड अ थिंग दैट थ्रोज आइटम्स अवे फ्रॉम इट, दैट थ्रोज आइटम्स अवे फ्रॉम इट। ये क्या चीज है भाई, किसी चीज के अंदर आइटम डालेंगे तो फेंक देते हैं। मैंने कल एक वन ब्लॉक की वीडियो शूट करी थी, उसके अंदर डिस्पेंसर मैंने बनाया था जिसके अंदर से पानी को हम लोग थ्रो कर रहे थे। आई थिंक हम लोगों को हो सकता है डिस्पेंसर ढूंढना हो यहाँ पर। एंड नियर यू गो फाइंड योर सेल्फ, तो भाई आस पास ही है, भाई देखिए सब कुछ यहाँ पर फलाना जी ने सेट किया हुआ है, तो वो इतना आसानी से मुझे पहली चीज को बनाने की अनुमति तो देगा नहीं। तो अच्छे तरीके से मैं हर जगह पर एक बार चेक करने वाला, ठीक है ना, हो सकता है यहीं से हमको। ए यहाँ पर एक वेट, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स वगैरह दिए हुए भाई। यो यहाँ से नीचे अंदर जाने का रास्ता है। ओ माय गॉड नहीं, यहाँ पर मेज है यार। फलाना जी तू मेज क्यों बनाता है यार, इसको पता है मेरे को मेज से नफरत है, आई हेट मेजेस ब्रो, बट तब भी इस बंदे को सिर्फ मेजेस ही बना के देनी है मेरे को, है ना, और कुछ नहीं काम है इसका। एंड वेट यहाँ पर कुछ अजीब से पार्टिकल्स निकल रहे हैं भाई, मैं इसको तोड़ के जा सकता हूँ? नहीं मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ, ऑफकोर्स यार तोड़ना ही तो इम्पॉसिबल है। मुझे बिल्ले की आवाज़ दोबारा से आई भाई यहाँ पे, यहाँ पर बिल्ले की आवाज़ क्यों आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एंड ये वाली मेज हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है यार, सीरियसली डूड। ओ व्हाट, ये
ये क्या है? एंड क्रिस्टल, मुझे एंड क्रिस्टल मिला यहाँ पे। ओके आई थिंक एंड क्रिस्टल का काम हम लोगों को आने वाला, जो भी चीज मिलती है भाई ग्रैब करके रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक हम लोग अब सेकंड नीचे को हम लोग ने छलांग मारी तो आई थिंक यहाँ पर एक और मेज दी हुई है। भाई कितनी मेजेज है यहाँ पे यार। फुलाना जी मैं तो छोड़ूंगा नहीं यार, सीरियसली डूड मेरे को तू तंग करता रहा जिंदगी में और तू कोई काम नहीं कर सकता है। मेरा असिस्टेंट होके अपने मालिक को तंग करता, तेरी सैलरी कट कर दूंगा मैं। ओह यस लेट्स गो, हम लोगों को एक और चीज मिली है यहाँ पर, दो एंड क्रिस्टल्स एंड एक और मेज नीचे। अरे यार फलाना जी व्हाट इज दिस यार, तू क्यों बेवकूफ बना। आई एम सो सैड यार सीरियसली डूड। ए लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, तीन मिले मेरे को एंड व्हाट भाई ये जगह तो मेरी हेमलैंड से भी तारा मिस्टीरियस लग रही है भाई। कहां से कहां घूम फिर के आए हम लोग ऊपर से एंड डायरेक्ट देखो कहां पर पहुंच चुके नीचे। यो व्हाट द हेल इज दिस, डोंट टेल मी कि हमारी लग तो शक्ल से क्राफ्टिंग टेबल जैसी रही है यार, एलिमेंटल क्राफ्टिंग टेबल। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स एंड यहां पर देखो तुम लोग, ये है हमारी एलिमेंटल स्वॉर्ड जो हम लोग को फाइनली बनानी है। एंड यहां पर देखो ये क्या एलिमेंटल स्टाफ, व्हाट What is elemental staff? Elemental staff के लिए हमको तीन end crystal चाहिए जो पड़े हुए, दो लकड़ियां चाहिए। चलो भैया एक काम करो, लकड़ियां भी निकाल चुका हूं मैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर बनेगी हमारी elemental staff। ओके वेट, इस elemental staff के ऊपर क्या बना हुआ भाई, मेरे को ये चीज के ऊपर थोड़ा सा जूम मारना पड़ेगा। ये क्या चीज है, ये कुछ तो अजीब सा टेक्सचर जैसा बना हुआ है इसके ऊपर, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थर थोड़े ग्रास जैसे बने हुए इसके टेक्सचर के ऊपर। ठीक है भाई, एंड और भी बहुत सारी चीजें मुझे इस एलिमेंटल क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर दिखी है, मैं इसको एक बार देखना चाहूंगा। एलिमेंटल स्टाफ वन, एलिमेंटल स्टाफ टू, जिसके लिए हमको एलिमेंटल स्टाफ वन बीच में डालनी है और बीच साइड में हमको अर्थ के शार्ड डालने हैं। What the hell is a earth shard, dude? Earth shard क्या होते हैं अब यार? और यहाँ पे elemental staff 3 के लिए हमको चाहिए होगा elemental staff 2 plus water shards and और क्या है पे? Elemental staff 4 भी दिया हुआ भाई, इसके लिए air shard की जरूरत है। यानी कि जो भी चार elemental चीजें मैंने तुम लोगों को बताई, धरती पानी आग और हवा, उन सबके shards हम लोगों को कलेक्ट करने पड़ेंगे। फायर स्वॉर्ड, ओ माई गॉड फायर क्रिस्टल की जरूरत है इसके लिए, एयर स्वॉर्ड के लिए एयर क्रिस्टल। भाई दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, रुको मैं इसको तोड़ के ले सकता हूँ एक बार इस तरह यहाँ पे। ब्रो हम लोग इसको एक्चुअली में क्राफ्ट ही नहीं कर पा रहे, देखो तोड़ नहीं पा रहा मैं इसको। वेट मैं इसको एक बार तोड़ के यहाँ से क्या लेके जा सकता हूँ, अपने से टूट रही है ये टूट रही है ये। ए वेट आई थॉट कि टूट गई, ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट टूटने वाली है, ऑलमोस्ट टूटने वाली है एंड ऑलमोस्ट टूटते टूटते टूटने से रह गई। ओ माई गॉड ब्रो, ओके हम लोगों को हर बार वापस आना पड़ेगा यहाँ पे क्राफ्ट करने के लिए सब कुछ। दिस इज सो अनंग, ये काला बिल्ला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, क्या है ये भाई, तू यहाँ पर किसी कर्स की तरह मेरे पीछे तो नहीं पड़ गया है ना? शक्ल से तो बड़ा क्यूट है, लेकिन ये भाग गया यार, जैसे क्यूट वाला भाग गया एकदम से यार, अजीब बिल्ला है। ऑल राइट गाइस, तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो फाइंड इट योरसेल्फ अर्थ क्रिस्टल कोर्ड्स। एंड अगर गाइस हम लोगों को अर्थ वाली स्वॉर्ड को बनाना है तो हम लोगों को अर्थ क्रिस्टल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड गाइस जो हमारी एलिमेंटल स्टाफ वन है ये क्या करती है भाई, मैं इस पर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो फिलहाल को कुछ कर नहीं रही है ये। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, मैंने धरती पर राइट क्लिक किया और मेरे पास ओ माई गॉड अर्थ के शार्ड आ गए मेरे पास। गॉट इट, जो शार्ड वगैरह हम लोगों को निकालने वो एलिमेंटल स्टाफ से ही निकालने हैं। जैसे जैसे हम लोग एलिमेंटल स्टाफ को अपग्रेड करेंगे वैसे वैसे हम लोग धरती का पानी का शार्ड, हवा का शार्ड और आई थिंक फायर वाला शार्ड निकाल सकते हैं। मेरे को अब जाके समझ में आई है यहाँ पर। एंड गाइस मेरी नजर जस्ट अभी अभी एक चीज से पड़ी है, मुंह के सामने देखो वहां पर डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं जो हम लोगों को हिंट दिया हुआ था। मे बी इस डिस्पेंसर के अंदर हमें कोई ना कोई माल मिल सकता है। डिस्पेंसर खाली है ये वाला, और बहुत सारे डिस्पेंसर लगे भाई इस जगह पे, सारे के सारे डिस्पेंसर हम लोग एक एक करके चेक करने वाले हैं यहाँ पे। इधर भी नहीं है एंड ये बिल्ला वहां से ऊपर, भाई ये बिल्ला कितना अजीब सा है यार ये, वेट अ सेकंड, नो वे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यो अर्थ क्रिस्टल गाइस, ये बिल्ला लिटरली यहाँ पे चढ़ा हुआ था इस वाले के बाद जहाँ पर अर्थ क्रिस्टल रखा हुआ था। क्या ही मेरी मदद करने की ट्राई कर रहा है या फिर ये कोई षड्यंत्र है मेरे असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी का? कहाँ गया बिल्ला, गायब हो गया, व्हाट द हेल ब्रो। तो देखो गाइस पहला अर्थ क्रिस्टल हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है, बट आई थिंक हम लोगों को अर्थ स्वॉर्ड बनाने के लिए ना यहाँ पर एक आयरन की स्वॉर्ड चाहिए। गाइस मैं काम करता हूँ फटाफट, एक बार यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड आयरन वगैरह खोद के आते हैं एक बार। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो इस टेंपल के पास मुंह के सामने यहाँ पर एक तगड़ी सी गुफा दी हुई है,
अब एक काम करते हैं, इस गुफा के अंदर चलते हैं और यहाँ से बहुत सारा आयरन निकाल के लाता हूँ मैं। Alright boys and girls, I am back, सब कुछ यहाँ पर सामान लेकर। एंड अभी देखो यहाँ पर आ जाओ फटाफट अपने लिए। सबसे पहले मैं एक स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बना सकते हैं ब्रू, एलिमेंटल क्राफ्टिंग टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स क्राफ्ट हो सकते हैं भाई साहब। ये भी सही है यार भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है मतलब की। चलो गाइस अभी हमारे यहाँ पर सबसे पहली अर्थ स्वॉर्ड बनने वाली है। ओ माय यो व्हाट द हेल, मेरे हाथ पे देखो क्या तगड़ी चीज है। रुको एक बारी गाइस मैं बाहर चलता हूँ और बाहर जाकर मैं एक बार इसी को देखने वाला हूँ लाइक दिन के उजाले में। दिस इज सो गुड। एंड बाय द वे अभी हम लोगों को ना अर्थ वाली बन चुकी है, इसके बाद हम लोगों को सेकंड बनानी है वाटर वाली, तो उसके लिए एक अलग कोऑर्डिनेट्स आई थिंक वहां पर जाके हम लोगों को क्रिस्टल फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, दैट इज द मेन थिंग। तो चलो गाइस काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहां से बाहर निकलता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स मेरे हाथ पे रखो, इसको नीचे फेंक के देखते हो गाइस। ब्रो अर्थ स्वॉर्ड का तुम लोग टेक्सचर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फूल है। अगर तुम लोग गौर से देखोगे ना गाइस तो यहाँ पर सब कुछ देखो, यहाँ पे छोटे छोटे एमरल्ड, छोटे छोटे डायमंड्स तक बने हुए हैं। यहाँ देखो गौर से, डायमंड है वो लिटरली, एमरल्ड है, छोटा सा देखो गोल्ड का ब्लॉक है, छोटा सा देखो तुम लोग वहाँ पे एक आइस स्पाइक दिया हुआ है, और ये टॉप पे पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है जो ये ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे ये वो वाले ब्लॉसम वाले फूल वगैरह लगे हुए, इस पे पेड़ लगा हुआ है लिटरली। ओ माय गॉड वाइंस तक लगी हुई है भाई इसके टेक्सचर के ऊपर। ब्रो दिस इज सो गुड भाई, ये अर्थ स्वॉर्ड बहुत कमाल की चीज है। पर ये करती क्या है स्वॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस। ओके एक बार नीचे चल फटाफट और साइड से आराम से कूद जा नीचे, थोड़ा बहुत गैस खाना वगैरह खाते एक बारी। आई डोंट नो कि क्या करने वाले स्वॉर्ड, पर जो भी करेगा आई थिंक कुछ तो बढ़िया करने वाले धरती से रिलेटेड, तो क्या करती है। ओ ये क्या था, ओ माय गॉड एक स्पेशल अटैक करती है। ब्रो नीचे सपोज करो सामने से कोई आ रहा है मेरे को मारने के लिए, सीधा स्पाइक निकाल के उसको मैं उछाल दूंगा हवा में। एंड अगर मैं राइट क्लिक, व्हाट ये क्या हुआ, यो हैं ओ इसने मुझे व्हाट। ब्रो मैं ऐसे करके हवा में उड़ सकता, बट हाँ वो अलग बात है कि मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ सकता, तुम लोग ये मान के चल लो। राइट क्लिक करके लिटरली उड़ के जा रहा हूं मैं, जैसे हम लोग ट्राइडेंट से उड़ के जाते हैं। एंड अगर मैं जमीन पे उसको मारूंगा तो हम लोग ब्लॉक्स खोद सकते हैं इससे। ओ माय गॉड तुम्हारा भाई बेसिकली, तुम लोग ये मान के चल लो जैसे ही जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि हल्क वगैरह जैसे उड़ के जा रहे हैं कहीं पर टकरा रहे तो बिल्डिंग टूट रही है, तुम्हारा भाई अब वो सच में कर सकता है। चेक दिस आउट, देखते ही देखते इतने सारे ब्लॉक्स तुम्हारे भाई ने खोद दिए हैं भाई साहब, दिस इज सो गुड एक्चुअली। ब्रो ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है ये वाली स्वॉर्ड। हाँ बस बाहर निकलने के लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इधर जाकर साइड में आ जाता हूँ। गाइस मैंने अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर खाना खाया हुआ, आई थिंक मेरे को सबसे हाईएस्ट पॉइंट की तरफ को एक बार राइट क्लिक करके यहाँ से बाहर निकलना, आई थिंक मैं और नीचे आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं इजीली बाहर निकल जाऊंगा और मैं सर्वाइव भी कर जाऊंगा। ब्रो दिस इज सो गुड, ओ माय गॉड एक ही बार दोबारा भाई बाहर निकल चुका है। ओके सामने चिकन है, चिकन भैया I am so sorry but I think you have to die. Oh my god, खड़े खड़े मार दिया इसको मैंने. This is so good. Okay guys, अब एक काम करते हैं, इस elemental sword को इस्तेमाल करने के लिए ना one of the most important चीजें मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पर। And वो बता क्या है, मैं तुम लोगों को बताता guys वो क्या है, वो है water bucket. बिना water bucket के मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता भाई, सीधा मर मरा जाऊंगा मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। तो एक काम करते हैं यहाँ से चलते, ए बिल्ले तू फिर से मेरे पीछे आ गया यार, बेफालतू में डरा मत तू मेरे को यहाँ पे सीरियसली। चलो गाइस उड़ के सीधा ही हम लोग जाएंगे पानी के बीच में, एंड पानी के बकेट निकाल कर रख देते हैं। एंड गाइस हमारा अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 432-44-158, और इस कोऑर्डिनेट की तरफ उड़ के चलते हैं, डायरेक्ट उड़ के चलते हैं। चलो भाई बस मेरे को क्या करना गाइस, क्लचेस का ध्यान देना, उड़ के जाएंगे सीधा ही क्लचेस का ध्यान देना बस, दैट्स इट गाइस। तुम लोग को सच बताऊं मैं क्लच करने में तो तुम्हारा भाई एकदम 100% प्रो है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करता बस मैं गाइस, एक काम बस आखिरी काम, मेरे पास बहुत सारा खाने का सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सब कुछ पका के रखते हैं ठीक है, पका हुआ खाना खाएंगे तो हमारा ही फायदा है। चलो 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 गाइस हम लोग ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने वाले हैं। भैया मेरा क्लच फेल हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, हम लोग उस कोऑर्डिनेट पर पहुंचे जहां पर हमको जाना था। इसने हमें बोला 432-44-158 अंडर समथिंग, हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। देखो गाइस कोऑर्डिनेट 432-74-158 हम लोग पहुंच चुके, बट आई थिंक माइनस 44 जाना है हम लोग, यहाँ से नीचे जाना है। एलिमेंटल स्वॉर्ड
अर्थ स्वॉर्ड अपना काम दिखाना शुरू कर दे मेरे बेटे, डायरेक्ट खोद खोद कर जाएंगे भैया। हाँ बस एक चीज का ध्यान देना है, नीचे मरना नहीं है, दैट्स इट। ओके चलो बॉयज एंड गर्ल्स डायरेक्ट छलांगे मार मार के, लेट्स गो लेट्स गो। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, अभी हमको 100 ब्लॉक्स और नीचे जाना है, 100 ब्लॉक्स और नीचे जाना है हमको, अभी आराम से पहुंच जाएंगे भाई। थैंक गॉड भगवान जी का कि हम लोग के पास अर्थ स्वॉर्ड। वेट यहाँ पर कोई शीशा था, यहाँ पर कोई शीशा लगा हुआ था, व्हाट द हेल ब्रो। एक बार मेरे को चेक करना ही पड़ेगा, ये क्या हुआ? अच्छा हाथ में मेरे स्वॉर्ड थे, मैं डर गया। व्हाट ब्रो, व्हाट द हेल इज दिस, ओ माय गॉड। वेट वेट वेट, बंद कर इसको, बंद कर इसको, मैं गलत जगह से आ चुका हूँ ब्रो। यहाँ पे हमारे पे हमले हो सकते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। ओके अगली स्वॉर्ड हम लोग को इतनी फ्री में नहीं मिलने वाली है इतनी आसानी से, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है ये। तो पानी की बकेट को नीचे निकाल के रख एंड चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, लेट्स गो। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं ऊपर से नीचे आया, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है ये चीज है, व्हाट यहाँ पर कुछ तो प्रोटेक्टर, वाटर क्रिस्टल प्रोटेक्टर इन सबका नाम। ओ माय गॉड, तुम लोग समझ रहे हो भाई साहब, भाई मैं तुम लोग को मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये बहुत सारे भाई चुड़ैले लगा के रखे हुए। रुको यार पानी नीचे निकाल इसको तू भाई, ग्रेवल को, और यहाँ से अंदर चल। ओके डूड्स यो व्हाट द हेल मैन, देखो कितनी सारी चुड़ैले यहाँ पर, आजा इनको ना मैं एक बार इस स्पाइक से मारने वाला, ठीक है ना। तो जो ये दो है हमारे, आ जाओ आ जाओ, मेरे पे हमला करोगे तुम लोग, मेरे पे हमला करोगे तुम लोग, है चुड़ैलो भाई, तुम लोग मुझे टच भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारा भाई है यहाँ पर ओपीएस ऑफ द ओपीएस। नहीं 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 नहीं, चल 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 निकल यहाँ से, चल चल भाग 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 भाग, स्पाइडी भाग स्पाइडी भाग स्पाइडी, खाना का खाने का खाना का खाना का, देखो यहाँ मेरे को सामान नीचे निकालना पड़ेगा। नहीं 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 ब्रो 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 ब्रो, ओ माय गॉड दिस इज नॉट गुड। ओके ठीक है, मैं इनको ऐसे करके मार सकता हूँ ना, देखो छुपे छुपे ही मार दूंगा मैं इन लोगों को, छुपा छुपा के मारूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। खाना खाना पड़ेगा मेरे को भाई, तो बाहर ही खड़ी है ये, तो मर ही नहीं रही है। वेट 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 वेट, मेरे को ना कहीं से इनको ऐसे करके यहाँ से मारना पड़ेगा, यहाँ से। नहीं 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 नहीं, इट्स इम्पॉसिबल डूड्स, मैं फंस चुका यहाँ पे। अब देखो तुम लोग यहाँ पे, तमें हम बताएंगे, अब ऐसे करके मारेंगे, ऐसे करके, समझे ब्रो। मैं वही सोचूं भाई, ये अगला जो हम लोगों को क्रिस्टल मिलने वाला है इसको पाना इतना आसान तो नहीं हो सकता है भाई, मैं मर जाऊंगा ऐसे करके यार, ये लगाना पड़ेगा मेरे को। चल पकौड़ी आंटी आ जा, तेरी ऐसी की तैसी, मैं भाई वन मेरे को हाफ हार्ट पे रखा हुआ इसने। चलो भाई एक तो मैंने पहला मार दिया यहाँ पर, खाना खा ले एक बारी, बहुत बढ़िया ब्रो। मैं इनको ऐसे करके भी तो मार ही सकता गाइस, बट द मेन थिंग इज इनको ना ज्यादा डैमेज पड़ नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड विचेस है। तेरी पकौड़ी आंटी ऐसी की तय, ओ यहाँ पे पोशन छूट रहे इनके, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, हीलिंग के पोशन छूट रहे इन लोगों के, दिस इज एक्चुअली बेटर। बिल्ला आ गया फिर से सामने, भाई साहब क्या चल रहा है। एंड गाइस आ जाओ, ये फालतू के जितने भी सामान है, पोशन ऑफ हीलिंग मिला मेरे को, नाइस ब्रो। इस पोशन ऑफ हीलिंग को खा खा के आई थिंक अपन जिंदा रह सकते हैं यहाँ पर, अगर ढंग से जिंदा रहना है तो। चलो भाई भाग 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 के जाना पड़ेगा, भाग के जाना पड़ेगा गाइस मेरे को यहाँ पे, और अंदर मैं इन लोगों से पंगे ले ही नहीं सकता हूँ, ये बहुत सारी है। नहीं ए सामने क्रिस्टल है वहां पे, नहीं नहीं नहीं, मेरे को बस जाके क्रिस्टल को टच करना और कुछ नहीं करना। रुको गाइस, आई हैव अ प्लान, मेरे को आई थिंक डायरेक्ट उड़ के, वेट मेरे पास एक प्लान, भाग 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 ऐसे भाई, अभी तो भाग ऐसे माटी, अभी तो भाग ऐसे, अभी भाग ऐसे। मेरे पास एक प्लान है गाइस, मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है अभी। रुको यहाँ से बाहर चले एक बारी, मेरे पास आयरन वगैरह तो गाइस बहुत सारा पड़ा हुआ है, तुम लोगों को पता है। तो पीछे पीछे आ रही है मेरे भाई, बाहर तक आ गई है, पीछा करते करते बाहर तक आ गई मेरे, थोड़ा छुपना पड़ेगा ब्रो। ये इनके पास AI है क्या, इनके बहुत तगड़े वाला ब्रो, ये मेरा पीछा करके आ रही है। नहीं 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 नहीं, यो ब्रो इतना खतरा तो आज तक मैन हंट पे फील नहीं हुआ मेरे को, जितना यहाँ पे हो रहा है फील। आई एम नॉट इवन जो कि मेरे पीछे पड़ी हुई है ये, आ जा आ जा, तेरी ऐसी की तैसी पकौड़ी मेरे पीछे पड़ेगी, तू यहाँ पे है, शर्म आ रही थोड़ी भी। बॉयज एंड गर्ल्स हम लोगों को आर्मर बनाना ही पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा आर्मर बनाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट टू बी सेफ। ओके और अपने लिए गाइस एक एक्स बनाने वाला हूँ और एक तलवार बनाने वाला हूँ, एंड मेरी किस्मत देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर मैं अपने लिए एक शील्ड भी बनाने वाला हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत तैयार फील कर रहा हूँ खुद को, अब चलो यहाँ से अंदर। भाई मुश्किल है इनसे लड़ना एक्चुअली में,
गाइस अभी मैं क्या करने वाला, डायरेक्ट राइट क्लिक करके जाने वाला। चल चल बाहर बाहर निकल, 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 बाहर निकल। वेयर इज दैट थिंग, वेयर इज दैट थिंग, मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा। वेट 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 वेट, आगे चल भाई, तू डायरेक्ट आगे चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तोड़ इसको, यो उठा इसको, उठा इसको, भाग 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 यहां से, भाग यहां से, भाग यहां से बाटी। चल चल चल, भाग 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 बाटी, भाग बाटी, भाग बाटी, भाग बाटी। बहुत बढ़िया, पानी निकल, पानी निकल, पानी निकल, पानी निकल, पानी निकल। ब्रो मैं बच गया, मैं बच गया। चल 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 चल। ओह माय गॉड, आई वाज सो स्केर्ड ब्रो, आई वाज सो स्केर्ड, आई वाज। फिर पीछे पड़ी है ये, देखो देखो, तीन मिनट भी चार। चल 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 भाई, अभी इनके हाथे नहीं आऊंगा। रुको गाइस, एंड एग्जिट मेरी बिल्कुल नजदीक है, वहीं पे मैं भाग के जाऊंगा। अरे तू आ जा, अब तो तू आ जा ब्रो। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, एकदम बेसिक जैसे बॉट्स जैसी चीज है, इतनी ओवर पावर्ड हो सकती है, मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया था। अब चल यहां से ऊपर डायरेक्ट, ये हमारा रास्ता है बाहर जाने का। एंड इसी के साथ गाइस, हम लोगों ने पहली जंग जीत ली है वाटर शार्ड बनाने के लिए शायद से। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा यार, ये बहुत ही ज्यादा एपिक फाइट हुई है मेरी। भाई जब हम लोग मैन हंट्स में होते हैं ना, तो हम लोगों के पास ज्यादा इजी चांसेस होते हैं जीतने के। क्यों? क्योंकि वहां पे लिटरली प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको अपनी जान का खतरा होता है, वो भी डर रहे होते हैं भाई मुझसे। बट ये चुड़ैले डर ही नहीं रही थी। ओ माय गॉड। एंड गाइस फाइनली वी आर आउट ऑफ दिस हेल। ये हेल फाइट हुई है मेरी यार, सीरियसली बता रहा हूं तुम लोगों को भाई साहब। जल्दी जल्दी चल यहाँ से बाहर भाई, क्या टकरा बार बार ऊपर के लिए, जल्दी चल यहाँ से। ओ माय गॉड, दिन का उजाला देखकर आज कितना अच्छा लगा भाई साहब। ये जो विचेस है, जब मैं पहली बार जिंदगी में माइनक्राफ्ट में आया था ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था, उस टाइम भी इन्होंने ही मुझे तंग किया था, एंड अभी भी इन्होंने ही मुझे बहुत ज्यादा तंग कर लिया था भाई साहब। एंड गाइस मैं तुम लोग सच बताऊं, वो नजदीक है, वो जो टेम्पल है हमारा, वो बहुत नजदीक है फिलहाल को। आई थिंक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने वाला है वो। चलो भाई, उड़ उड़ के जाएंगे, उड़ उड़ के जाएंगे हवा में, एंड सबसे आखिर में क्लच करने वाले हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर बैक, एंड यहां से डायरेक्ट जाएंगे उड़ के इसके ऊपर। वो दिस इज सो गुड यार। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर बैक, वी आर बैक। एंड अभी हम लोग यहां पे अपने आई थिंक सेकंड वाली वो बना सकते हैं। रुको एक सेकंड गाइस, बहुत सारे फालतू के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ना, इस सारे के सारे ब्लॉक्स को मैं फेंकने वाला हूं, ठीक है ना। एंड अभी हम लोगों को एक्जैक्टली बनाना क्या, पहले मुझे वो फिगर आउट करना पड़ेगा। आई थिंक हम लोगों को अगली स्वॉर्ड, हम लोग अभी क्या लेकर आए, वाटर क्रिस्टल लेकर आए, तो हमारी बनने वाली अभी आई थिंक वाटर वाली स्वॉर्ड। सो वेयर इज दैट वाटर वाली स्वॉर्ड ब्रो, ये है। ओके, इसके लिए हमें वाटर शार्ड की जरूरत है, इसके लिए हमें वाटर शार्ड। देखो एयर शार्ड तो गाइस हमारा एलिमेंटल स्टाफ 1 से आया था, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था, तो ये आ रहा है क्या? देखो 13 पड़े हुए, और क्लिक करूंगा तो 15 हो गए। यस, क्या वाटर वाला शार्ड इससे आएगा? नहीं, आई थिंक हम लोग को एलिमेंटल स्वॉर्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, एलिमेंटल स्टाफ 2 ये रही हमारी, एंड डायरेक्ट ही हमारी बन जाने वाली है। ओ वेट, यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर स्टाफ लिखा हुआ है राइट साइड में, देखो नीचे। ओ वेट अ सेकंड, अगर मैं इससे राइट क्लिक, यस लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, वाटर शार्ड आ चुके हैं हमारे। बहुत सारे निकाल कर रखे इसको, ठीक है भाई साहब। एंड अभी देखो मैं क्या करने वाला गाइस, हम लोग डायरेक्ट आई थिंक अब यहाँ पे वाटर स्वॉर्ड बना सकते हैं ब्रो, दिस इज सो गुड। Let's go, और स्वॉर्ड के बाद वाटर स्वॉर्ड आ चुकी है, इसका इस्तेमाल मैं बाहर जाके करने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बारी इस बुक को देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे वाटर कोड्स के बाद हमारे अगले एयर कोड्स आने वाले हैं, जो कि है इन द हेवन। ऑल राइट, वहां पर जाके आई थिंक हम लोगों को अभी एयर क्रिस्टल निकालना पड़ेगा, ताकि हमारी एयर वाली स्वॉर्ड बन सके। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं एक बारी। लेट्स गो आउट, वाटर स्वॉर्ड। ओ वेट ब्रो, इसका टेक्सचर क्या तगड़ा है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको, जूम मार इस पे एक बारी ब्रो, इसके ऊपर वाटर की टाइड्स बनी हुई, आगे देखो जैसे टाइड्स वगैरह आती है ना। और ये क्या है, यो इसके ऊपर एक शिप बनी हुई है पूरी की पूरी, ये शिप है, शिप रैक बनी हुई है इस पे। दिस इज सो ओपी डूड, मैं मजाक नहीं कर रही, शिप बनी हुई है इसके ऊपर यार। एंड अगर तुम लोग डिटेल पे जाओगे गाइस, तो इसके ऊपर वो सारे के सारे कोरल रीफ के वो बने वाले, कोरल नहीं होते वाले है ना। ओ माय गॉड, ये करती क्या है, लेकिन मुझे फिलहाल को तो नो वेट, कुछ तो छोड़ रही है, कुछ तो ये शॉट छोड़ रही है। और राइट क्लिक करने से क्या करेगी ये, फिलहाल को आई हैव नो, ए कुछ छोड़ा इसने, वेट अ सेकंड, ए इसको नॉक बैक लगा सीधा ही, डायरेक्ट नॉक बैक। ओके एंड भाई अगर इसको रहे, ओ भाई पीकू को उड़ा, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, मरा तो मरा पर बेइज्जती के साथ मरा भाई, पूरा का पूरा हवा में लिटरली उड़ के गया भाई वो पिग यार। ओ माय गॉड, एंड बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट। ओ हवा में महल बनाया हुआ भाई पूरा का पूरा, ये तो बड़ा नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार। तो यहाँ पर तो गाइस मैं इजीली अपनी अर्थ स्वॉर्ड के थ्रू उड़ के जा सकता हूँ वहां पे, है ना। पर मैं तुम लोग सच बता रहा हूँ यार, ये जो दोनों की दोनों स्वॉर्ड्स है ना यार, ये जो दिखने में है ना भाई, जो डिटेलिंग है ना ब्रो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ।
वन ऑफ दी बेस्ट थिंग्स एवर जो मैंने देखी है। चलो अभी काम करते गाइस, डायरेक्ट हवा में उड़ के ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं हवा में उड़ के। चलो भाई जी एंड ब्रो व्हाट भाई, देखते ही देखते तुम्हारा भाई ऊपर पहुंच गया यार, दिस इज सो गुड यार। चलो वाटर बकेट मार के डायरेक्ट नीचे चलने वाले हैं एंड ओके वो ये क्या, ओ माय गॉड, ये जो एयर क्रिस्टल है इसको हासिल करना उतना आसान भी नहीं होने वाला है भाई। इतना आसानी से कैसे हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं, मैं वही सोच रहा था। मैं अपने लिए खाने का सामान भी लेकर नहीं आया, मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ यार। मैं काम करता गाइस, मैं नीचे जाता हूँ दोबारा से और खाने का सामान एक बार लेके आता हूँ। और यहाँ पर कितना क्यूट बिल्ला व्हाइट कलर का, ओ माय गॉड। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं खाना वगैरह लेके बहुत सारा आ चुका हूँ वापस से एंड तुम्हारा भाई अभी यहाँ पे करेगा। मैंने सारे ब्लॉक्स तोड़ दिए बट कोई दिक्कत नहीं है। चल नीचे एक बारी, नीचे भाई चीज क्या है ये, यू व्हाट द हेल इज दिस, वेट आ मेरे पीछे कुछ अजीब आ, ये क्या है, अबे तू क्या चीज है, वेट व्हाट, ये मुझे नीचे गिरा देगा, क्या है ये ब्रो, स्टीव की मुंडिया, ये कैसा अटैक कर रहा है ब्रो, इसको नीचे गिरा, तू नीचे चल यहां से, ओ माय गॉड भाई मुंडिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, नीचे गिरा दूंगा साले तेरे को मैं, चल नीचे यहां से, पकौड़े ऐसी की तैसी तेरी, भाग भाग, ओह माय गॉड मेरे पीछे मुंडिया पड़ी है लिटरली ब्रो। एंड बाय द वे मेरे जो ये है ना, ये इतने बड़े बड़े जो ये हमारे फैंटम्स है, बहुत बड़े बड़े, इनके कॉन्टैक्ट में जैसे ही आऊंगा आई थिंक मैं मर मरा सकता, नहीं ये मुझे नॉकबैक दे रहा है, बहुत गंदे वाला नॉकबैक दे रहा है। मुझे बस इन फैंटम्स को टच नहीं करना है बिकॉज इनकी शक्लें देख के तो मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे इजीली वन शॉट भी कर सकते। आजा, ये वाटर वाली चीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। No way, dude. नहीं, मुझे सारा अंदर नहीं जाना। Bro. What the hell? ये सेकंड वाली चीज को लेना कितना मुश्किल है, आठ वाली स्वॉर्ड के बाद। एयर स्वॉर्ड मैं लेकर आएगा, तेरे का नीचे गिरा दूंगा, लेट्स गो, ये भी नीचे गिरा दूंगा। Let's go, boys and girls. चल पकौड़े, भाग यहाँ से। ऐसी की तैसी तेरी। एंड तुम्हारे तो मैं नजदीक भी ना आऊंगा तभी मैं तुम लोग को डैमेज दे सकता अपनी वाटर स्वॉर्ड के साथ। लेट्स गो। एक और मुंडी हवा में उड़ रही है यार। साइडों के चल भाई चल स्मार्टी, मेरे को बस इन सीढ़ियों के ऊपर होके चलना है। चल इनको था, ए पीछे आ गए मेरे, चुप जा ब्रो, आई एम स्टक ओवर हियर ब्रो। भाई ये इन फैंटम्स के सर के ऊपर वो मुंडियां चिपकी हुई लिटरली, व्हाट द हेल। चल इसको थोड़ा डैमेज दे। ये ना एक्चुअली इतनी बड़ी साइज में यहां से बाहर नहीं निकल पा रही है, रुको। अगर मैं इसको ये अर्थ स्वॉर्ड मारूंगा तो क्या इसको डैमेज पड़ेगा ना, ये हवा में उड़ रही है इसलिए इसको कोई डैमेज नहीं पड़ा हवा वाली का। चल मर गया, लेट्स गो ब्रो, वाटर स्वॉर्ड इज ओपी, देखो वाटर पार्टिकल से ही मार। नहीं, क्या हो रहा है ये, अरे तू मेरे को मारेगा पकौड़े, भाग यहां से तेरी ऐसी की तैसी ब्रो। वेट, जैसे मैंने इस फैंटम को मारा इसके अंदर से बहुत तगड़ी चीजें निकली है। अरे यार इस बुंडी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, नॉट इवन जोकिंग। पहले मैं इसके बाप को मार देता हूं ना यहां पे। आजा, इसके साथ नजदीक नहीं जाना पड़ेगा सिर्फ। यस लेट्स गो ब्रो, इसने मुझे बहुत ओपी ओपी चीजें दी है। नो, मार इसको, मरने वाला, खाने का स्मार्टी, कम ऑन। ओ माय गॉड ब्रो, ये तू गया भाई, अभी बचेगा नहीं मुझसे, पकौड़े तेरी ऐसी की तैसी, मेरे दिमाग की दही करेगा तू है भाई। यहाँ पे इतनी ओपी लूट है कि मेरे को ओपी लूट की जरूरत है भाई, तुम लोग जाओ यहाँ से यार, ये बहुत अनोइंग है। कहाँ जाएगा मेरे बेटे, कहाँ जाएगा, तू मेरे को मारेगा है, तुझे पता बिल्कुल भी नहीं है भाई, तू सिर्फ एक मुंडी भाई, एक तो सिर्फ एक मुंडी है, बताऊँ ये इसलिए बहुत ज्यादा अनोइंग है क्योंकि सिर्फ एक मुंडी मार रही है मेरे को, इसकी बॉडी ही नहीं है यहाँ पर। चलो भाई इसका खेल भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ। ये क्या है, एक वाटर शार्ड मिला बाद में मेरे को, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है गाइस। अब देखो तुम लोग यहाँ पे, ओ यस डेप्थ स्ट्राइडर भाई, ये अच्छा वाला मिल गया मेरे को, इसमें डेप्थ स्ट्राइडर इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को 10 डायमंड मिले लिटरली, ओ माय गॉड यस। चल एक काम करते गाइस, मेरे को अनब्रेकेबल 3 वाली एक ये भी मिली हुई है एंड क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी कुछ डायमंड्स वगैरह आ चुके हैं तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि इस डायमंड के साथ कुछ तो बनाते हैं। मेरे को ना एक्चुअली चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स अच्छी वाली बनानी पड़ेगी। काम करते गाइस, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर बनाने वाला अपने लिए एक चेस्ट प्लेट। ये क्या हुआ, ये कौन मारा मेरे को, पानी नहीं, चल ऊपर के लिए चल भाई तू, चल ऊपर कौन होगा यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एंड यहाँ से टॉप में क्या चीज है भाई, कोई है यहाँ पे, हेलो, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ यार, मत मारो भाई मुझे, तंग मत करो ऐसे। कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये भाई साहब, ओ
डोंट टेल मी। ए ऊपर एक और है, ऊपर एक और बदसूरत है। रुक, तेरे को भी मैं इससे ही मारूंगा, तेरे को भी मैं इससे ही मारूंगा भाई। ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत ही नहीं इनकी, लिटरली बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, आजा। ए मर गया, लेट्स गो, लौंडा मर गया हमारा। नहीं यार तुम क्यों आते हो यार, ये मुंडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, ये मेरा दिमाग खराब कर रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पर गाइस मुझे एक पेन ऑफ आर्थर मैन नॉक बैक मिला मेरे को। आजा आजा, तेरी ऐसी की तैसी नॉक बैक लगी नहीं रही उसको। वाह वाह भाई वाह, ये भी सही एकदम। गाइस आई हैव अ प्लान, इसको तोड़ इसको तोड़ इसको तोड़। नहीं 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 नहीं, मरने वाला, मरने वाला स्मार्टी, मरने वाला स्मार्टी भाई, तू ऐसे करके। चलो गाइस इस क्रिस्टल को उठा, इस क्रिस्टल को उठा और भाग यहां से, क्रिस्टल को उठा और भाग जाए यहां से भाई तू। वेयर इज द क्रिस्टल? यहां पर एक स्वॉर्ड है। ओ यस, सुई पे किस तरीके डायमंड की स्वॉर्ड मिली मेरे को। एंड वो कहां पर है साश, वो कहां पर है, कहां गया वो? अरे भाई वो चीज ही गायब हो गई यहां पे। व्हाट द, ए यहां पर, अरे भाई दिख गया मेरे को। आजा आजा भाई तू, एयर क्रिस्टल मिल चुका है। एंड गाइस अभी हम लोग डायरेक्ट भागने वाले। चल 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 भाई तू भाग ऐसे, हवा में भाग, हवा में भाग, हवा में भाग, सीधा पानी के बीच क्लच, पानी के बीच क्लच तुम्हारे भाई का। ओ माय गॉड भाई, मैं इतना ऊपर से गिर रहा हूं कि पानी के अंदर भी मुझे लिटरली डैमेज पड़ा है। चल भाई अब यहां से। होली शिट्स डूड्स, व्हाट द, ओ माय गॉड, दैट वाज एपिक डूड्स। मैन हंट के बाद मुझे आज पहली बार अपनी जान का खतरा महसूस हुआ माइनक्राफ्ट के अंदर, वरना मुझे एक्चुअली कभी डर नहीं लगता था, सच बता रहा हूं मैं। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर बैक एंड डायरेक्ट भाई अपनी इस पर्टिकुलर चीज को चला के। नहीं नहीं मरना नहीं, 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 और मैंने टेम्पल को ही बीच से उखाड़ दिया। भाई साहब तुम्हारा भाई है तो ओपी है, बट ये मैंने क्या कर दिया, फलाना जी को बहुत गुस्सा हो जाएगा गाइस इन चीजों के लिए। फलाना जी बहुत ज्यादा सीरियस है, मेरे को ही बनाना पड़ेगा गाइस इसको यहाँ पे, वरना फलाना जी मेरी बैंड बजा देगा। एंड हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे ज्यादा टॉप पे, लेट्स गो। ऑल राइट आई एम बैक हियर। एंड बाय द वे तुम लोग नोटिस कर रहे होंगे गाइस, जहां से मैं एयर क्रिस्टल लेकर आया वहां से एलिमेंटल क्राफ्टिंग टेबल तक आते मेरे बाल बुल भी कटिंग हो चुके भाई, देख रहे हो तुम लोग। फलाना जी पूरा जुगाड़ करके रखता भाई। तो गाइस फिलहाल को हम लोग को क्या बनाना था, सेकंड हमारी थी एयर, थर्ड हमारी एयर स्वॉर्ड थी। वेयर इज द एयर स्वॉर्ड, एयर स्वॉर्ड यहाँ पर। ए रे वेट अ सेकंड, मेरे को पहले एयर शार्ड बनाने पड़ेंगे। एयर शार्ड निकालने के लिए आई थिंक मेरे को पहले जो हमारी एलिमेंटल स्टाफ 2 है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। आई थिंक इसको अपग्रेड हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यस यही हमारी शाफ्ट नंबर 3। एंड अब अगर मैं इसको हवा में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो गाइस नीचे, ओ माय गॉड एयर शार्ड्स आ चुके हैं बहुत सारे, लेट्स गो। एंड आई थिंक गाइस अब मैं इसको बना सकता हूँ। यस बस मेरे को एक चीज और चाहिए, आयरन की स्वॉर्ड। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, जब भी मैं इस अर्थ स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ इतनी डिस्ट्रक्शन आसपास हो जाती है ना, जिससे क्या होता है कि मेरे इन्वेंटरी में फालतू के ब्लॉक्स बहुत सारे आ जाते हैं यार। चलो बॉयज एंड गर्ल्स ये आई हमारी एक आयरन की स्वॉर्ड, एंड अब हम लोग फाइनली क्राफ्ट कर सकते हैं। भाई तू काली बिल्ली क्या कर रही है यहाँ पे यार, या तो ये मेरा साथ दे रही है या तो फिर ये मेरे खिलाफ है कि पता नहीं क्या है भाई। ये बिल्ले मेरा साथ नहीं छोड़ते भाई, बिल्लों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, इसको शायद से लग चुका है पता। एंड आई थिंक गाइस अब हमारी एयर स्वॉर्ड बन चुकी है। तन तन तन, अब ये क्या करना, वेट बॉयज एंड गर्ल्स मेरा हार्ट देखो नीचे, ओ माय गॉड मेरे 20 हर्ट्स हो चुके हैं भाई साहब, दिस इज सो गुड यार। अब गाइस मुझे यहां से ना भाग जाना पड़ेगा। आई थिंक अब हम लोगों को आखिरी स्वॉर्ड बनानी है, फायर स्वॉर्ड। भाई साहब तुम लोग गौर से देखो इस फायर स्वॉर्ड फ्लेम ऐसे हिल रही है भाई, आई थिंक ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हैं हम लोग अपनी एयर स्वॉर्ड को एक बार चेक करने के लिए। वेट सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा किस चीज से ये बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी, ओ माय गॉड वेट ब्रो गौर से देखो इसके ऊपर वो तुलसी के पत्ते लगे हुए हैं भाई, या तो फिर पुदीने के पत्ते लगे हुए हैं इसके ऊपर। ओ माय गॉड, अगर तुम लोग गाइस बिल्कुल डिटेल में जाके देखोगे ना तो इस स्वॉर्ड के आसपास कुछ ऐसे टेक्सचर्स लगे हुए जो ऐसे घूम घूम रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि हवा घूम रही है इसके आसपास। ओ भाई साहब दिस इज सो रियल डूड। ऑलराइट अब ये करती क्या है, पहले मैं देख रहा हूं। ए भाई साहब मैं गलती से मुझे नीचे गिरने वाला था। ओके लेफ्ट क्लिक करके हम लोग सीधा हवा में उड़ जाएंगे। यो ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत अच्छी है, बट मेरे को नीचे ऑफ कोर्स फॉल डैमेज पड़ने वाला है, से उस चीज का ध्यान देना पड़ता है। एंड राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से क्या होता है इसको मैं देखना चाहूंगा एक बारी। ब्रो ये एयर स्वॉर्ड बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है ब्रो, ये तुम लोग ये मान के चलो गाइस कि इस चीज के साथ ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। हाँ वो अलग बात है कि अगर हमको कहीं गलती से लगे ऐसे हवा से कर दे तो आपको क्लच मारना पड़ेगा, बट वो अलग बात है गाइस हमारे पास 20 हर्ट्ज है, दैट्स व्हाई क्लच करना भी हमारे लिए आसान है एक हिसाब से। ब्रो लेट्स गो, ओके इंटरेस्टिंग तो है ये एयर स्वॉर्ड यार, हवा उड़ा देती है भाई। अभी गाइस एक आखिरी स्वॉर्ड बची, एलिमेंटल स्वॉर्ड जो है ना हमारी सबसे तगड़ी स्वॉर्ड है, उसको बनाने के लिए बस एक आखिरी स्वॉर्ड फायर क्रिस्टल, जो कि कोऑर्डिनेट ही है इन द हेल वर्ल्ड। अरे यार हम लोगों को जाना पड़ेगा गाइस,
अभी नेदर के अंदर, और जैसे का एक काम करते हैं गाइस, फटाफट नेदर के अंदर चलते हैं एंड फायर स्वॉर्ड भी बनाते हैं। फायर स्वॉर्ड मेरे को लग रहा सबसे ज्यादा ओपी होने वाली, क्योंकि सबसे लास्ट में वही बनने वाली है। चलो अब हम लोग गाइस उड़ उड़ के जाएंगे सीधा ही एक लावा पूल को ढूंढने के लिए। चलो भाई। ओ गाइस, ओ माय गॉड, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया वहां पर ऑलरेडी बना बनाया। आई थिंक अगर वहां पे मुझे एक या दो एक्स्ट्रा ये मिल गए ना, तो मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं ऐसे कर मैं इजीली मर भी सकता हूँ। थोड़ा ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, शाबाश माटी, शाबाश माटी, छलांग 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 ऊपर, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, सीधा ही टॉप। व्हाट द हेल, ये बिल्ला यहाँ पर भी आ गया भाई, ये कुछ तो कांड कर रहा है। भाई तू जो भी है ना, प्लीज मेरे पे ऐसी नजरें मत मारो, को डर लग रहा है यार। गाइस ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटेड है, ये ऑलमोस्ट। ओ यहाँ पे ऑब्सिडियन भी पड़े हुए हैं। नाइस ब्रो, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस एक्चुअली। अब एक काम करते हैं, फ्लिंट एंड स्टील भी निकाल देते हैं, ठीक है। इसको रहने दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स इसको तोड़ेंगे एंड हम लोग यहाँ पे इसको लगाएंगे एंड इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो ये पूरा कंप्लीटेड है भाई, ये पूरा कंप्लीटेड है। ऑल राइट, मेरे पास खाने का सामान, ओके एक सेकंड रुको गाइस, आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग, मैं ना बस खाने का सामान पका देता हूँ फिर अंदर चलते हैं एक बारी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, खाने का सामान हमारा अच्छे तरीके से पूरा का पूरा बच चुका है एंड लेट्स गो इनसाइड। ओ भाई एयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल मैं नेदर के अंदर नहीं करूंगा, वहाँ पे तो वाटर पॉकेट क्लच भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी आई थिंक फायर स्वॉर्ड का इस्तेमाल, आई मीन ये वाली क्या बोलते हैं उसको, वाटर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करें यहाँ पे एंड आई थिंक इससे पानी पुनः निकलेगा। प्लीज काश इसे पानी निकलता ना भाई, तो मजा आता, ऐसे पानी की एक स्ट्रीम निकलती इससे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़े बहुत ब्लॉक्स वगैरह निकालने पड़ेंगे हमको यहाँ पर अभी एंड हम लोग को यहाँ से लेफ्ट साइड के लिए। भाई मुझे बिल्ले की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, भाई घोड़ा का बिल्ला मेरे पीछे वाला, भाई तो मेरे को डर लग जाने वाला अभी। ए ये अंदर तक आ गया यार, क्या है ये बिल्ला, अरे भाई तू कौन है, मेरा पीछा छोड़ दे भाई, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा, ये मेरे को डरा रहा भाई एक्चुअली में। यार तुम लोग खुद सोचा, अरे बिल्ला पीछे पड़ा है मेरे यार, वो भी काले कलर का बिल्ला। चलो गाइस हमको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सामने के साइड के लिए जाना है एंड हम लोग डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे उसी कोऑर्डिनेट पे। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओ व्हाट द हेल ब्रो, हम लोग पहुंच गए वहां पे। ये कितनी ज्यादा ऊपर तक जा रही बिल्डिंग, मुझे दिख भी नहीं रही है भाई पीछे के लिए। ओ माय गॉड, इस स्वॉर्ड को निकालना होगा बहुत ज्यादा मुश्किल, मैं अभी को मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड गाइस अभी ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है, देखो अभी हम लोग यहाँ पे गाइस वाटर का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। सो लेट्स डू वन थिंग, ओके गाइस, हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाटर को फेंक कर अपने लिए लावा निकालने वाले, इनको मैं लावा के साथ मारने की ट्राई कर सकता हूँ एटलीस्ट, है ना। चलो ऑल राइट, वी हैव रीच्ड बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम टू मेक आवर लास्ट स्वॉर्ड, फुल एंड फाइनल स्वॉर्ड को बनाने का समय आ गया। वेट, बिल्ला यहाँ भी आ गया, अरे यार ये मेरे को डर आ रहा है भाई, ये मेरे को डर आ रहा है, इस बिल्ले से मेरे को डर लग रहा है गाइस। आ जाओ उठा इसको, उठा इसको, आई एम रेडी। और भाई ये एयर स्वॉर्ड को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये डेंजर चीज़ है सबसे ज़्यादा एंड यहाँ पर मैं ये ब्लॉक्स वगैरह नीचे निकाल देता हूँ। भाई ये क्या है अंदर, ये क्या है अंदर, अरे भाई फायर क्रिस्टल प्रोटेक्टर्स है सारे के सारे, डेंजर चीज है ब्रो, ये सारी की सारी डेंजर चीजें है। ओके इसने मेरे को शीशे के थ्रू देखा, स्वे टू गॉड इसने मेरे को शीशे के थ्रू देखा, व्हाट, रुक तेरी ऐसी की तेज, तेरे को तो मैं अभी इससे मारेगा मैं तेरे को अभी, ले मर पकौड़े मर जा शाबाश, यस एक मर गया गाइस, इन सभी के सभी को ना ऐसे करके मारूंगा मैं, लो ए खुल मत, तू खुल मत बस एक बारी, यस इन स्पाइक्स के थ्रू मैं इनको डैमेज वगैरह देते रहूंगा, कंटिन्यूसली बंदे मरते रहेंगे। बिल्ला, बिल्ले ने खोला भाई, पागल है बिल्ला भाई, ये मेरे को मरवाने के लिए। ओ माय गॉड, एक स्वॉर्ड मिली है, शार्पनेस 2 वाली स्वॉर्ड, दिस इज गुड एक्चुअली। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं, आई थिंक वाटर स्वॉर्ड, हां वाटर स्वॉर्ड के अंदर गाइस हमारा बहुत तगड़े वाला डैमेज है, वाटर स्वॉर्ड शार्पनेस 2, सारी की सारी शार्पनेस 2 वाली है। वेट, मेरे को ना एक्चुअली में डर लग रहा है भाई, मेरे को एक्चुअली में डर लग रहा है यहां पे। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम टू गो अपस्टेयर्स नाउ, आजा आजा बदसूरत, आजा बदसूरत, टच करके दिखा मेरे को, टच करके दिखा मेरे को। ओ माय गॉड, वेट, सारे के सारे बंदे शार्पनेस 2 की स्वॉर्ड, डायमंड की स्वॉर्ड छोड़ रहे हैं, आजा 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 आजा, सबको मारू करके करके, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, स्मार्टी पाइज हेयर, तुम लोगों का भूखा स्वॉर्ड है, नहीं नो 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 नो, खाने का विदर फेंक दे जिसने मेरे को भाई साहब। ओ माय गॉड, एक्चुअली डेंजर चीज तो यहां पर है भाई, ये तू आजा बेटे, तेरे को तो मैं दूर से वाटर से मारेगा और फटका भी मारूंगा एक मैं तेरे को, आ दे पकौड़े, तेरी ऐसी की तैसी। भाई बहुत सारे हैं,
आई थिंक 8 से 10 अभी भी बचे हुए, इनको ना एक एक करके आइसोलेट करके मारूंगा। तू आजा पहले, तू आजा पहले, वन शॉट बेबी गर्ल्स, वन शॉट। आजा आजा, कहाँ छुपा के रखा है फायर क्रिस्टल, कहाँ छुपा के रखा है बच्चे तूने? दे दे मेरे को वो चीज तू अभी। एंड गाइस अभी सिर्फ 2-3 और बचे हैं सिर्फ, इनको तो मैं ऐसे उल्टे हाथ से मार दूंगा, उल्टे हाथ से। आजा बेटे, आजा 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 आजा। नो 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 गाइस, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेरे 20 हर्ट्ज एक्चुअली काम आ रहे हैं, जो मेरे 20 हर्ट्ज यहाँ पे हो गए हैं ना, ये एक्चुअली अभी काम आ रहे हैं यहाँ पे। एंड भाई क्या मेज बनाई हुई है यार, यहाँ पर भी मेज है यार, सीरियसली डूड। हाँ यहाँ से बजाने का रास्ता है। एंड अब यहाँ पे से 2 ही बंदे बचे हुए, आजा तू भी मर जा मेरे बेटे। एंड आई थिंक हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बिल्ला मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ब्रो ये बिल्ला मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हेलो, दिस इज सो वियर्ड यार। ये चैलेंज बाद है पूरा का पूरा मेरे असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी ने बनाया हुआ है, एंड उसको सब पता है। एंड आई थिंक ये बिल्ला भी उसी ने यहाँ पर बनाया हुआ है। आजा नीचे पर तुरंत, इसको मैंने यहीं से मारूंगा, यहीं से मारूंगा मैं इसको, यहीं से मारूंगा मैं तो पकौड़े। अब बोल, अब बोल, बोल कहाँ पर है हमारा माल छुपा के रखा हुआ इसके अंदर? मुझे बस गाइस एक आखिरी फायर क्रिस्टल चाहिए भाई। वेयर इज द फायर क्रिस्टल ब्रो? अरे यार हर जगह ढूंढ लिया मैंने, यहाँ पर कहीं है भी नहीं है ब्रो। सारी की सारी चेस्टें मैंने खोल दी, यहाँ पर है नहीं है वो। वेट अ सेकंड, नीचे है क्या कहीं पे? किसी मेज मूज के अंदर छुपाया हुआ है क्या? नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अरे नीचे एक और बंदा दिया हुआ है, यहाँ से नीचे मैं फिलहाल के लिए गया नहीं। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस रूम यार। यू पढ़ पढ़ इसको, मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार इसको, ऐसी की तैसी मार इसको, ऐसी की तैसी। स्पाइक से मारेगा मैं तेरे को, स्पाइक से मारेगा मैं तेरे को, है पावर इस्तेमाल करके मारेगा मैं तेरे को अपने। ले आजा आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे। हे भगवान क्या नल्ला है भाई तू, क्या मारेगा तू यार, क्या गुंडा बनेगा? चलो केक खाते गाइस, क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड ओ वेट, इसको लेफ्ट क्लिक मार भाई, कितना चालू है। ऊपर से यहाँ पर एक एनविल गिरी है लिटरली। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक फायर क्रिस्टल, अब इसको लेके आखिरी स्वॉर्ड बनाने। चल 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 निकल यहाँ से बाहर स्मार्टी। ओह माय गॉड ये नेदर वाला एक्चुअली गाइस डरावना था, बट उतना ज्यादा नहीं था। सबसे ज्यादा डरावना था हमारा वाटर वाली स्वॉर्ड के लिए, जो चुड़ैले थी ना भाई साहब, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उनको मारना, क्या तगड़े तरीके से खेल रही थी भाई वो। एंड जो गाइस हमारा ये एयर वाला था, एयर वाली स्वॉर्ड थी, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी एक्चुअली में अटेन करनी मेरे लिए। लावा वाली उतनी टफ नहीं थी, बट आई थिंक जितना मेरे को लगता है किसको इस्तेमाल करना शायद से टफ होने वाला। वेट 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 वेट, अरे यार एक तो मेरे पास यहाँ पे वाली क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है ना। चलो गाइस एयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ऊपर चलते हैं, एंड डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चलो भाई। ये बेस्ट चीज है यार, ये बेस्ट चीज तो मेरे को हिमलैंड में चाहिए थी भाई, अपने आप अपने लिए लाइक ऐसे ट्रैवल करने के लिए। अरे पर भाई मजा ही आ जाता, देखो ना सीधा यहाँ पे अपने छलांगे मार मार के जा रहे। लो लो भाई सीधा टॉप पे पहुंच भी गया जल्दी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, वी आर हियर बॉयज एंड गर्ल्स। एंड हम लोगों को अभी फायर स्वॉर्ड बनाने के फायर शार्ट की जरूरत है यार। एंड आई थिंक फायर शार्ट के लिए हमें एलिमेंटर शार्ट 3 को अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। एलिमेंटर शार्ट 4 के लिए हमें एयर वाले शार्ट चाहिए, एंड एयर वाले शार्ट बहुत सारे पड़े हुए मेरे पास। लेट्स गो, एंड इसको यहाँ पे रखेंगे, एंड नहीं वेट इसको यहाँ से यहाँ रखेंगे, एंड ये बना नहीं यहाँ पे। अरे यार मैं पागल हूँ भाई, मैं लिटरली यहाँ पे ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स लगा रहा हूँ भाई साहब, दिमाग तो मेरा भी यहाँ पे खराब हुआ। रुको गाइस इसको एक बारी मैं जरा यूं मारूंगा, यस हवा में करते हैं तो यहाँ पे एयर शार्ट आते हैं। भाई साहब तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी गाइस, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जो हमारी गाइस एलिमेंटल शाफ्ट है इसमें पहले ना सिर्फ एक ही वो लगा हुआ था ब्लॉक, और जैसे मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें मल्टीपल चीजें लग रही है, इसमें 3 लगी हुई है ना। सो आई थिंक जैसे मैं इसको 4 में अपग्रेड करूंगा तो चौथी चीज भी इसके ऊपर आ जाएगी। दिस इज एक्चुअली गुड यार, बहुत डिटेल में बनाई हुई चीज है भाई ये, बहुत डिटेल। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, एलिमेंटल शाफ्ट 4 वाले आ चुकी है, जिसमें 4 चीजें तुम लोग सामने सामने देख सकते हो। यो एक वाटर वाला है, एक फायर वाला है, एक अर्थ वाला है, एंड आई थिंक एक लावा वाला है। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। एंड मेरे को अभी यहाँ पर गाइस जो फायर वाला चाहिए ना उसके लिए एक काम करता मेरे को एक बारी, पहले कुछ ब्लॉक्स नीचे निकाल और इस पानी को ना पूरे तरीके से यहाँ पर मैं सुखा देने वाला हूँ, एंड यहाँ पर हम लोग लावा को डालेंगे। एंड आई थिंक अगर मैं यहाँ पर एलिमेंटल शार्ट 4 को राइट क्लिक करूंगा तो शायद से यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ जानी चाहिए। चलो एक बार ट्राई करते हैं, आया कुछ? ओ यस यस यस, देखो नीचे ये है फायर शार्ट्स। लेट्स गो, इसको मैं नीचे रख सकता हूँ क्या? हाँ मैं इसको नीचे भी नहीं रख सकता भाई, इसको नीचे रखना इम्पॉसिबल है, बट क्या इसको फेंक सकता हूँ मैं क्या? यो ये लावा का ब्लॉक है लिटरली भाई, ये लावा का ब्लॉक है यार। अरे भाई ये बहुत सही, एक और बिल्ला आ गया। बिल्ली तू बहुत क्यूट है, पर तू कर क्या रहा है यहाँ पे? मेरे को समझ में नहीं आया। तू रुक एक बार मैं जरा टेस्ट करूंगा असली बिल्ला है कि
ये असली बिल्ला नहीं है, I just want to see this. अरे भाई सॉरी 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 बिल्लू सॉरी भी यार असली था सॉरी भगवान मैंने एक ना जान बिल्ले को यहाँ पर एक शॉट मार दिया तगड़े वाला यार सो सॉरी बॉयज सो सॉरी गाइस अभी यहाँ पर मैं सबसे अरे यार एक तो हम लोग यहाँ पे इससे बना भी नहीं सकते कुछ भी तो मेरे को गाइस यहाँ पर अभी अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ रही है एंड क्राफ्टिंग टेबल के अंदर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक स्वॉर्ड को नॉर्मल स्वॉर्ड बन चुकी है एंड नॉर्मल स्वॉर्ड के साथ हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फायर स्वॉर्ड बना सकते हैं ओ माय गॉड यो इसका टेक्सचर देखो एक बारी भाई इसको भी मैं बाहर जाकर टेस्ट करने वाला एक सेकंड रुको पहले इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा नहीं बारी करती क्या है ये क्या हुआ ये क्या था ये कौन सी स्वॉर्ड एयर स्वॉर्ड है मेरे हाथ में मैंने गलती से राइट क्लिक किया पानी के पास और मैं उड़ के चला गया दूर यार व्हाट वेट मैंने इस बिल्ले के पास कुछ किया था क्या बिल्ला कहाँ गया बिल्ले इधर भागे मत शाबाश रुक जा मेरे बिल्लू मैं तेरे को एक फटका ए भाई मर जाएगा बिल्ला रहने दे तो गाइस मैं ना मर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी यार बेचारा चलो गाइस एक बार इस स्वॉर्ड को टेस्ट करते हैं बाहर जाकर कि लावा वाली स्वॉर्ड काम कैसे करते हैं लाइक फायर स्वॉर्ड एंड देन उसके बाद अपनी मेन एलिमेंटल क्राफ्टिंग स्वॉर्ड बनाते हैं लाइक सबसे आखिरी वाली स्वॉर्ड जो सबसे ज्यादा ओपी है भाई बॉयज एंड गर्ल्स वी आर आउटसाइड एंड इसको एक बार नीचे फेंक कर इसके ऊपर नजर मारनी मैंने एक बार यार भाई ये क्या चीज है यार ये बेटे को गौर से देखेंगे गाइस ब्रो इस तलवार के ऊपर तुमने गौर से देखो एक बारी मैं फ्लेम चली हुई है इसके ऐसा लग रहा है जैसे फ्लेम थ्रोअर टाइप नहीं होता वैसा लग रहा है कुछ है ना बट एक्चुअली लाइव फ्लेम चली हुई है इसके ऊपर ओ माय गॉड और इसके ऊपर गौर से देखो गाइस यहां पे लावा का फाउंटेन तैर रहा है ब्रो क्या चीज है भाई ये और इसके ऊपर भाई वो अलग अलग टाइप के लावा के नेदर के अंदर वाले ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है ब्रो व्हाट इज दिस स्वॉर्ड यार ये करती क्या है अभी एक मैं देखना चाहूंगा इसने मेरे को डैमेज दिया हेलो इसने मेरे को डैमेज दिया यस वेट यो इसने मेरे को डैमेज दिया और वहां पे क्या हाउ इज दिस पॉसिबल डूड वहां पर एक गोल्ड का ब्लॉक आ गया यार क्या यहाँ पे इससे हमारे को चीजें मिलती है वहां पे और गोल्ड के ब्लॉक्स आ चुके हैं ओके वेट अ सेकंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर माय इन्वेंटरी अरे 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 भाई 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 इतना मत मारो भाई मेरे को यार मैं सिर्फ अपनी इन्वेंटरी क्लियर कर रहा हूँ कुछ बहुत ही फालतू की चीजें पड़ी है इनको मैं फेंकने वाला गाइस एक बारी एंड एक और बारी लेफ्ट क्लिक कर भाई कुछ तो मेरी इन्वेंटरी में आ रहा है अरे मेरे गोल्ड आ रहा है मेरे पास भाई बार बार नाइस लेट्स सी वन भाई ओ माय गॉड नीचे देखो गाइस डायमंड्स की बारिश हो चुकी है भाई ओके ये फायर स्वॉर्ड बेसिकली क्या करती है आपको डैमेज देती है लेफ्ट क्लिक करके एंड जब लेफ्ट क्लिक करके आपको डैमेज देती है गाइस तो साथ ही साथ आपको लूट भी देती है बेसिकली आपको थोड़ा सा दुख दर्द देगी बट साथ ही साथ उसके बाद आपको लूट भी देगी वेट अ सेकंड जैसे 64 डायमंड गोल्ड के इंग्रेड्स मेरे पास आए 64 डायमंड के ब्लॉक्स मैं क्या बात कर रहा हूं यार मैं क्या बात कर रहा हूं दिस स्वॉर्ड इज ओपी डूड देखो यहां पे डायमंड्स की बारिश होगी और क्या क्या दे सकती है मेरे को देखना एक बारी और ये मेरे को क्या क्या दे सकती है भाई मुझे दुख दर्द हो रहा है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे काफी पीड़ा हो रही है बट ओ एमरल्ड्स भी दे दिए ब्रो लुक एट दिस 64 एमरल्ड्स ओ माय गॉड बिल्ले ने एमरल्ड उठा दिया मेरे तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी तूने कैसे उठाए तूने उठाया कैसे ये व्हाट इज दिस व्हाट इज यो डिड यू गाइस सॉ दैट ओ माय गॉड वेट नो फ्रीकिंग वे डूड This can't be true, bro. Wait, guys, देखो, अभी यहाँ पर मुख के सामने दो एक काऊ है एक शीप है और एक काऊ है अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स इन शीप वगैरह को एक्चुअली ट्रेस करते हैं एंड देन मार भी देते हैं एंड देन पका पका खाना भी ड्रॉप कर देते हैं ब्रो दिस फायर स्वॉर्ड इज द ओपीएस्ट ब्रो ओ माई गॉड भाई साहब अभी तक ये कहाँ थी आ जाओ मेरे काऊ यहाँ पे देखो क्या राइट क्लिक करूंगा एंड सीधा ही अरे भाई काऊ उड़ा के फेंक दिया अरे यार भाई इतना भी क्रूर मत बनो यार ओके आई थिंक वो मरी होगी तो यहाँ पे खाना भी छूट होगा यस लेट्स गो पका पकाया खाना मिल गया देखो गाइस वो बहुत दूर है ठीक है ना वो बहुत दूर है हमारा पिगी तो अगर मैं इसको देख कर राइट क्लिक करूंगा तो देखो एक बारी ये सारे के सारे पार्टिकल्स हमारे ट्रेवल करके जाएंगे जाते 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 सीधा ही पिग को भाई यार हाउ इज दिस इवन पॉसिबल डूड भाई ट्रेस कर रहे लिटरली उस चीज को ठीक है भाई तो बेस्ट हो गया ना चलो इस गोल्ड को मैं फेंक देता हूँ थोड़ा बहुत खाने का सामान निकालते हैं गाइस अभी
हम लोग अपने फाइनल एलिमेंटल क्राफ्टिंग स्वॉर्ड बनाते हैं भाई, जो कि इन चारों को कंबाइन करके बनने वाले। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत खाने खोने का सामान निकाल देता है ना। देखो यहाँ पे उसको भी देखूंगा, इसको भी देखूंगा, मेरे को बस देखना है इनको भाई। खाना अपने आप आ जाएगा, मेरे को सिर्फ इनको देखना है, खाना अपने आप आ जाएगा। सोचो तुम लोग भाई क्या ओपी चीज है ये, है कि नहीं है भाई साहब। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम बैक। अबे आखिरी स्वॉर्ड बनाने से पहले ना मैं सिर्फ ये एलिमेंटल स्वॉर्ड की बुक को पढ़ना चाहूंगा। देखो गाइस, सबसे लास्ट में हमारा ये था फायर क्रिस्टल, एंड अब देखो, नाउ यू हैव अनलॉक्ड द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड ऑफ ऑल टाइम, फाउंड हाउ टू क्राफ्ट इट ऑन योर ओन एंड किल दैट एंडर ड्रैगन। कैसा लगा स्मार्टी? अब अभी तो और ऐसे खतरनाक चैलेंजेस आएंगे, गेट रेडी फॉर इट। योर असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी। भाई साहब मेरे मिस्टर फलाना जी ने बहुत तगड़ी चीज़ बनाई हुई है। ये बोल रहा है मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, बट मेरे को सबसे पहले एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस आखिरी वाली स्वॉर्ड को हम लोग बना कैसे सकते हैं। देखो एलिमेंटल स्वॉर्ड, ओ हम लोगों को एक एक चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। चारों स्वॉर्ड, हमारी ये चौथे वाली, एंड हम लोगों को ये शार्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है सारे के सारे। ओके गाइस मैं समझ चुका हूँ, रुको, जो भी फालतू का सामान है मेरे पास सब कुछ मैं फेंकने वाला नीचे एक बारी, ठीक है ना। सब कुछ फेंकने के बाद मैं ये सब कुछ दोबारा से इकट्ठा करके आता हूँ। आई थिंक हम लोग इससे निकाल सकते हैं। वाटर शार्ड भी आ चुका है हमारे पास, फायर शार्ड भी आ चुका है, अब एयर शार्ड के लिए मैं हवा में करूंगा, तो आई थिंक एयर शार्ड भी आ चुका है और हमारा अर्थ शार्ड भी आ चुका है। तो अब इनको हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। एयर शॉट को यहाँ पे रखेंगे, फायर शॉट को यहाँ पे रखेंगे, वाटर शॉट को यहाँ पे रखेंगे, अर्थ शॉट को यहाँ पे रखेंगे, एंड आई थिंक एक एक चीज़ों को उठाकर हम लोगों को यहाँ पे रखना है, यूं करके एंड सबसे सेंटर में हम लोगों को रखना है एलिमेंटल स्टाफ 4 को। आई थिंक बन जाना चाहिए, नहीं यहाँ पर कुछ बना नहीं। आई थिंक लाइन वाइज लगाना पड़ेगा इसको भाई, एकदम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके। ऑलराइट गाइस, सभी के सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, एंड आखिरी चीज हमारी आएगी सेंटर में, एंड यहाँ पे बन चुकी है हमारी एलिमेंटल स्वॉर्ड। ब्रो इसका टेक्सचर देखो एक बारी, एंड मैं बस देखना चाहता हूँ एक बारी कि ये स्वॉर्ड हमारी क्या काम करती है, तो ये कैसे काम करती है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई साहब, मैं पागल होता जा रहा हूँ इसी को टेस्ट करने के लिए भाई। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज माई फाइनल एलिमेंटल क्राफ्टिंग स्वॉर्ड। ओ इसमें सारी की सारी स्वॉर्ड्स का मिक्सचर है। देखो राइट साइड के लिए हमारी वाटर वाली है, उधर के लिए देखो हमारी लावा वाली है, ऊपर के लिए देखो हमारी एयर वाली, और नीचे के लिए देखो हमारी अर्थ वाली स्वॉर्ड है। वहां पर देखो डायमंड्स वगैरह सब लगे हुए हैं। ओ भाई साहब, दिस इज द मोस्ट ओपीएस्ट स्वॉर्ड एवर भाई, दिखने में क्या तगड़ी है। अब देखते हैं काम क्या क्या करते हैं भाई। देखो ओ शिट डूड, मैं चल रहा हूं ना तो देखो एयर भी निकल रही है, क्या बोलते हैं अपनी आग भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, और डर्ट के पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं भाई साहब। लोगो लेफ्ट क्लिक करेंगे, उड़ा दिया इसने मेरे को। ओके ये सारे की सारी चीजों के काम कर रही है। राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ओके गाइस देखो पानी भी इसने निकाला है यहाँ पर, अगर तुम लोग गौर से देखोगे, एंड अगर मैं किसी एंटिटी को देखूंगा और उसको राइट क्लिक करूंगा तो ये आग भी शायद छोड़ेगा फिर तो। Let's see this. Oh my God, what the hell, bro? मैंने राइट क्लिक किया और मैं लिटरली हवा में चल रहा हूं यहाँ पे। Can you guys believe this? Oh my God, what the hell? So good, यार, so good, bro. यहाँ देखो मैं राइट क्लिक किया हुआ, मैं हवा में चल रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक करूंगा आगे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा रुक जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक कर राइट क्लिक कर हवा में रुक जाऊंगा। ओ माई गॉड, ये बहुत ओपी चीज है ट्रेवलिंग करने के लिए भी। चलो भैया सीधा ही पानी के बीच में चलो भाई, मेरी गेम लैग हो रही है, इतनी ओपी चीज है ये भाई। ये तो मेरे को लग रहा है एक ही फटके में मार देगी एंडर ड्रैगन को, तो बहुत ओपी है स्वॉर्ड है यार, और मेरे हाथ में भी क्या तगड़ी लग रही है ये, है ना। ये देखो यहाँ पे बारी, ओ शिट डूड, What the hell man? It's looking so gorgeous यार। मैं हल्का सा zoom करूंगा guys अगर अभी, तो तुम लोग इसके फ्लेम के textures देखो एक बार यार, sword के जल रही है sword हवा में, ऐसा लग रहा है यार। Guys, अब उस ender dragon की खैर नहीं है भाई, वो बचने नहीं वाली है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना बुरे तरीके से मैंने उसको आज तक नहीं मारा होगा भाई, जितने बुरे तरीके से मैं उसको आज मारने वाला हूँ। ender dragon, तेरा पिता स्मार्टी पाया आ रहा है। What the hell? आई थिंक इसी के अंदर है हम लोग। मैं अभी पता क्या सोचा गाइस कि आई एफ एंडर्स वगैरह के लिए जाना पड़ेगा, बट नहीं जाने की जरूरत है भाई, जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने को कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही है भाई, इधर ही है। ये जो हमारा टेम्पल है, इसी टेम्पल के अंदर हम लोगों को मिलने वाला है वो।
चलो टेंपल के टॉप पे चल। ओ माय गॉड भाई, क्या क्या चलाऊं मैं अभी यार, मजा आ गया भाई। और तुम लोग मुझे लिटरली देख भी नहीं सकते भाई, इतना ओपी चीज है ये। देखो देखो अरे क्या मस्त स्लो मोशन में चला हुआ है भाई साहब, ऐसा लग रहा कोई एंटिटी आ चुकी है, लाइक लिटरली वाली एंटिटी है ना। ओ माय गॉड दिस इज सो गुड, लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव रीच। और मेरी ना मेरे को एक्चुअली मैं नीचे गिरने की स्पीड भी स्लो हो चुकी है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। यहाँ पर कहीं पर ढूंढो आस पास, कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट हुआ। वहां देखो पीछे भाई साहब, ये जो चीज है ये हमेशा से यहाँ पे लगी लगाई हुई थी भाई जी। भाग गया यार ये बिल्ला, पता नहीं भाई बिल्ला मेरी मदद कर रहा है कि क्या कर रहा है, नो आइडिया। एंड लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव रीच्ड द एंड। और भाई देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे एडवांसमेंट तक भी नहीं मिली है मेरे को भाई साहब। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग एक चीज करने वाले, लेकिन यहाँ पे जितना मेरे को पता है गाइस, ये एलिमेंटल स्वॉर्ड दुनिया की सबसे ओपीएस स्वॉर्ड है, तो आई थिंक ये हमारी एंडर ड्रैगन को वन शॉट भी कर सकती है। सो लेट्स गो एंड ट्राई टू डू दिस। ओके जहां भी एंडर ड्रैगन दिखेगी ना उसको सीधा उड़ा उड़ा देना। अरे यार वाटर बकेट नहीं है स्मार्टी पाई यार, आर यू अ डंब गाय, ऐसी डंब वाली हरकतें कौन करता है, वाटर बकेट की कितनी जरूरत होती है भाई नेदर के अंदर यार। सोचो तुम लोग खुद भी गाइस, आजा आंटी नीचे, जंटी नीचे, देख तेरा काल स्मार्टी पाया है यहाँ पर आज, तेरे को मारने आया हूँ मैं समझी। मैं गलती से मुड़ गया था, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, गलती से क्या गाइस मेरा भी, बाय गॉड आई एम सो सॉरी यार, गलती से हो गया था। आजा आजा, तेरे तो मैं मुंह पे मारूंगा, तेरे तो मैं मुंह पे मारूंगा अभी। व्हाट, ये मर गई, आओ आओ, इसका अटैक डैमेज है 9999। ओ माय गॉड ब्रो, इस एंडर ड्रैगन को मैंने पेल दिया भाई एक फटके में। ओ माय गॉड दिस वाज द बेस्ट स्वॉर्ड एवर गाइस, एवर एवर एवर, बिल्कुल मजाक नहीं इस बात पे। सो यार कैसा, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, इसी टाइप के और ओपी ओपी आइडियाज मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धांसुन वीडियो में गाइस। नमस्ते, ऑसम गाइस, बाय बाय।